हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट, पार्ट फोर फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 17। इन क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव अ सिलेंडर ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हमने सिलेंडर ले लिया विद द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय द होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर। सपोज दिस इज द पी, ये आपका पी सिलेंडर है, ठीक है, एंड दिस इज द सिलेंडर क्यू। ये सिलेंडर हमने ले लिया क्यू, ओके। अगर हम इस पर पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज। इसकी रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं आर वन, और क्यू सिलेंडर की हम रेडियस कंसीडर कर लेते हैं आर टू, राइट। अब हम इस सिलेंडर के चारों तरफ, सिलेंडर पी के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द अनदर सिलेंडर विच हैज द रेडियस क्यू, सॉरी विच हैज द रेडियस आर। ये गॉसियन सरफेस हमने बना लिया, इसकी रेडियस है आर, ठीक है। अब चार्ज ऑन पी, द चार्ज ऑन पी सिलेंडर वो है आपके पास क्यू, क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। एल क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, और जो आपके पास कोएक्सियल सिलेंडर है क्यू उसके ऊपर आपके पास चार्ज है नेगेटिव क्यू, ठीक है। It has the radius R1, the charge on Q equal to charge on Q equal to minus Q radius, it has the radius R2, ओके। नाउ कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर, जो ये ग्रीन पेन से आपका दिखाया हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर which has the radius r and length l, okay। अब according to Gauss's law क्या होता है कि flux जो है वो आपका surface integral of the electric field होता है, according to Gauss's theorem, according to Gauss's theorem E dot ds, ये आपके पास क्या होता है, q अपॉन में epsilon नोट, राइट। अब यहां पर आपके तीन सरफेस बनेंगे, देखिए कौन कौन से, ये आपका एक सर्कुलर सरफेस, ये आपका सेकेंड बॉटम में सर्कुलर सरफेस, ठीक है, और जो थर्ड है ये आपका, ये कर्व सरफेस आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे E1 dot ds
प्लस में ई टू डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल ई थ्री डॉट डी एस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो ये सर्कुलर आपके फेस हैं ग्रीन पेन से, ठीक है, ये क्या है आपका, यहां पर यूनिट वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये आपका यूनिट वेक्टर ऑफ द सरफेस एरिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ये है आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब आप सर्कुलर सरफेस में करेंगे तो एरिया वेक्टर के बीच में और सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, डीएस एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर सपोज करो ये जो आपके पास है ये सरफेस वन है, सरफेस वन, ये आपके पास सरफेस टू और ये जो है आपके पास सरफेस थ्री है, जो कर्व वाला वो सरफेस थ्री है। तो जो कर्व पार्ट है वो आपको अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन करेगा, यहां से ये भी इक्वल टू जीरो हो गया, ये भी इक्वल टू जीरो, सिर्फ आपका इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। सो ई थ्री डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर देखिए ई और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल आपका जीरो डिग्री है एन यूनिट वेक्टर डीएस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ई एस क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट, जो एस है वो सरफेस एरिया ऑफ द कर्व पाथ जो कि आपका इक्वल टू होता है टू पाई आर एल, तो ई की वैल्यू जो हो जाएगी क्यू अपोन में एस एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपोन में टू पाई आर एल एंड एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब क्यू अपॉन में एल ये क्या होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, ये क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के इक्वल, ठीक है। तो इसको लैम्डा में कन्वर्ट कर दो, लैम्डा अपॉन में टू पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपके पास आ गया यहां पर आर, यहां लिख सकते हो लैम्डा क्या है आपके पास, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा की वैल्यू क्यू बाय में एल, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, इनफाइनाइट पर दी हुई है कि दैट इज इक्वल टू जीरो, ये वैसे भी हमें पता है, ठीक है। सपोज करो वी कंसीडर अ सिस्टम इन विच वी हैव द चार्ज इनिशियली पॉजिटिव क्यू एंड वी हैव द अनदर टेस्ट चार्ज Q at the infinity, so some work done will be done to bring it from the infinity to this system, ठीक है। So जो ये work done करना पड़ेगा that will be equal to potential energy, so ये जो potential energy होती है that is the difference between these two points between the system and at the infinity, so delta U equal to UF minus में UI equal to UF minus में U infinity क्या होता है आपका zero, so आपका delta U जो है वो क्या आ जाता है equal to U आ जाता है। ये सारी चीजें आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको एक revision के तौर पे करवा दिया गया है। So potential energy now of a system, potential energy U equal to 1 upon में 4 pi epsilon naught Q Q divide by में R, ओके। तो ये आपके पास हो जाएगी 9 into में 10 raised to power 9 and electron और proton है, सो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस 1.6 इंटू में 10 रेस्ट पर माइनस 19 और प्रोटॉन पर पॉजिटिव 1.6 में 6 इंटू में 10 रेस्ट पर माइनस 19। यहां पर दो चार्ज जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 0.53 इंटू में 10 रेस्ट पर माइनस 10 मीटर। जब हम इनको सोल्व करते हैं देन वी गेट आंसर, दिस विल बी इक्वल टू 43 माइनस में 43 पॉइंट में 47 इंटू में 10 रेस फॉर माइनस 19 जूल। ये हमारा आंसर जूल में आया। इसको ना अब हम लोग नाउ वी विल कन्वर्ट इट इंटू द इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या कर दो, 1.6 इंटू 10 रेस फॉर माइनस 19 से डिवाइड कर दो, तो इंटू में
0.47 इंटू में 10^-19 डिवाइड बाय में 1.6 इंटू में 10^-19, ये किस में आएगी, अब इलेक्ट्रो वोल्ट में एनर्जी आएगी, दिस विल बी इक्वल टू -27.17 इलेक्ट्रो वोल्ट। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब उन्होंने बोला कि इफ द काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी हो आपकी, व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन्ड इन ए पार्ट। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी, अब ये था आपका फर्स्ट पार्ट, नाउ सेकेंड पार्ट, काइनेटिक एनर्जी जो है वो गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय में 2, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगी 27.12 डिवाइड बाय में 2, दिस विल बी इक्वल, सॉरी 27.17 डिवाइड बाय में 2, दिस विल बी इक्वल टू 13.585 इलेक्ट्रोवोल्ट। थर्टीन पॉइंट में ये 5, ओके, अब ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हमें पता है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी कर दो, दैट विल बी इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दीजिए, माइनस में 27.17 प्लस में 13.585, दिस विल बी इक्वल टू -13.585 इलेक्ट्रोवोल्ट। एक चीज आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहां पर मैंने जब काइनेटिक एनर्जी निकाली, हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव साइन लिया, तो ये आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्क रिक्वायर्ड अब निकालेंगे, टोटल एनर्जी आपके पास आ गए, तो वर्क रिक्वायर्ड देखिए, अब क्या कह रहे हैं कि वर्क, कौन सा वर्क, अब यहां से इसको रिमूव करना है हमें और इन्फिनिटी पर लेके जाना है। अब इनिशियल क्या होगी, ये सिस्टम की होगी, फाइनल क्या होगी, इन्फिनिटी की होगी, ठीक है। तो आपका जो वर्क रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी, हमें पता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आप इसमें लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और ये आपका किसके इक्वल आएगा, यू इन्फिनिटी, क्योंकि फाइनल होगी, और माइनस में यू सिस्टम की, ठीक है। तो ये आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू यू इन्फिनिटी 0 माइनस में यूएस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, माइनस में 13.58, तो ये क्या आ जाएगा, -13.585, माइनस माइनस आपका पॉजिटिव, तो ये आपके पास 13.585 इलेक्ट्रो वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका हुआ पार्ट बी, ओके। अब है आपका पार्ट सी, पार्ट सी में व्हाट आर द आंसर ऑफ द ए एंड बी अबव इफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.06 एंगस्ट्रोम, ठीक है। अगर जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वो 1.06 एंगस्ट्रोम पर ली जा रही है, तब आपका ए में जो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली एंड वर्क डन निकाला, वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो निकालते हैं, यहां पर लिखेंगे आप पोटेंशियल एनर्जी एट 1.06 एंगस्ट्रोम, मीन्स 1.06 इंटू में 10^-10 मीटर सेपरेशन पर, वो क्या आ जाएगी अब आपके पास, यू डैश की जो वैल्यू होगी वो 1/4πε0 इंटू में माइनस ई पॉजिटिव ई और डिवाइड बाय में ये जो आपकी आर डैश है, ठीक है।
तो ये 9 इंटू में 10 रेस्ट टू पावर 9 इंटू में माइनस 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 19 इंटू में 1.6 इंटू में 10 रेस्ट पावर माइनस 19 और डिवाइड में आपका आ जाएगा आरडेस 1.06 इंटू में 10 रेस्ट टू पावर माइनस 10। ओके, तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये आएगा माइनस 21.74 इंटू में 10 रेस्ट टू माइनस 19 जूल। इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट कर दो तो माइनस 21.74 इंटू में 10 रेस्ट टू माइनस 19 और डिवाइड बाय में आ जाएगा 1.6 इंटू में 10 रेस्ट टू पावर माइनस 19। इससे ये कैंसिल, तो ये आपका आएगा माइनस 13.585 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, अब जो ये एनर्जी है ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी, जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। सो टेकिंग यू डैश एज द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि गिवन है कि इतनी दिस सेपरेशन पर जो आपके पास एनर्जी होगी वो क्या होगी, आपके पास जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी अगर गिवन है तो टेकिंग यू डैश एज द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू, अब देखिए माइनस क्या हो गया, सॉरी फाइनल क्या हुआ आपका, जो आपके पास माइनस में 27.17 था तो माइनस 27.17 और माइनस में 13.585। ठीक है, तो ये कर दीजिए तो इसका आंसर ये आपके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस में 13.585 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गई, कब, जब आपने इतने सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी एट द जीरो लिया है, पोटेंशियल एनर्जी एट द जीरो। ठीक है, तो आपका फाइनल जो एनर्जी है वो ये है, इनिशियली आपका पोटेंशियल एनर्जी एट द जीरो ये है, तो फाइनल माइनस में इनिशियल अगर आप करेंगे तो देन वी विल गेट द वैल्यू दिस। ठीक है, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास H2 मॉलिक्यूल और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव, इसका मतलब अब H2 मॉलिक्यूल आपके पास क्या बन गया, H2 पॉजिटिव बन गया है। ठीक है, और ये H2 पॉजिटिव अब आपके पास देखिए कैसे हुआ, यहां पर अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया आपके पास और 2 आपके पास प्रोटॉन बच गए, यहां एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके पास 2, तो यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज और ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो सेपरेशन दिया हुआ है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो सेपरेशन दिया हुआ है वो 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी बार बार हम इसको कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय में R का स्क्वायर, राइट, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार तो हम इस प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, एक बार सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हो जाएगा, एक बार आपका ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन का सिस्टम हो जाएगा, तो कितने सिस्टम आपके बने, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपके पास क्या आएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी वन अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस विल बी ई इंटू में ई डिवाइड बाय में 1.5 इंटू में 10 रेस्ट टू पावर माइनस में 10 और माइनस में ई इंटू में ई डिवाइड बाय में 10 रेस्ट टू पावर माइनस 10 एंड माइनस में ई इंटू में ई डिवाइड बाय में 10 रेस्ट टू पावर माइनस
10, ओके तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, राइट। यहां देखिए, यहां आर स्क्वायर नहीं, यहां आर आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है क्यू इंटू में पोटेंशियल होता है, ठीक है, और पोटेंशियल में आपका नीचे डिवाइड बाय में आर आता है, तो ये यहां मिस्टेक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, 9 × 10⁻¹⁹, ठीक है। ई स्केयर दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन निकल गया, तो हम लोग यहां से ई स्केयर को कॉमन ले लेते हैं, 1 upon 1.5 −1 −1, ठीक है। यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 × 10⁻¹⁹ 1.6 × 10⁻¹⁹ और इसका स्केयर, एंड ये आपके पास 1 upon 1.5 −2, जब हम इसको सोल्व करते हैं देन वी हैव −19.2 इलेक्ट्रो वोल्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट आपकी क्या निकल गई, इलेक्ट्रो वोल्ट में निकल गई है। जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वो आपकी इन्फिनिटी होती है, ठीक है, तो यहां पर लिख भी सकते हो जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द रेडियस ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर, ठीक है। दोनों रेडियस दोनों के दोनों स्फीयर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है बाय अ वायर, उनकी रेडियस गिवन है ए एंड बी। देखिए अब यहां से जो वी होगा आपका, वी इक्वल टू ई वन ए होगा, ठीक है। या आप लिख सकते हैं वी वन इक्वल टू ई वन ए, सेम आपका वी टू क्या है ई टू बी होगा। दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू स्फीयर। अब आपका जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है, ये क्या होगा आपका दोनों में सेम होगा, दोनों के लिए सेम होगा। सो वी कैन राइट वी वन इक्वल टू वी टू, वी वन इक्वल टू वी टू। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द रेडियस ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कनेक्टेड टू ईच अदर लिखा हुआ है बाय अ वायर, ओके। देन ईवन बाय में ई टू, ये निकाल दीजिए आप, ईवन बाय ई टू आपका आ जाएगा बी बाय में ई। सेकेंड, इसी में ही इसने क्वेश्चन पुट किया हुआ है, यूज द रिजल्ट ऑब्टेन टू एक्सप्लेन व्हाई द चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड द पॉइंटेड एंड ऑफ अ कंडक्टर इज हायर देन ऑन द फ्लैटर पोर्शन। देखो ये आप यहां से भी निकाल सकते हो, सिग्मा जो है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्यू अपॉन में ए होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब एरिया अगर ज्यादा है तो सिग्मा क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ए इंक्रीजेज, तो सिग्मा क्या हो गया आपका, डिक्रीजेज, ठीक है। तो फॉर द शार्प एंड द पॉइंटेड एंड, फॉर द शार्प एंड पॉइंटेड एंड पॉइंटेड एंड, ए क्या है आपका डिक्रीजेज, सो सिग्मा क्या हो जाएगा आपका इंक्रीजेज, ओके, क्योंकि सिग्मा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है आपका। अब यहां पर जो आपके स्फीयर दिए गए हैं, यहां पर स्फीयर में आपका जो ए है, सपोज कर लो कि ए जो है वो लेस देन बी है, सपोज A is less than B. अगर A less than B है तो A1 क्या हो जाएगा आपका, less than A2 हो जाएगा। So surface charge density जो होगी sigma 1 वो greater than
हो जाएगी आपकी सिग्मा 2। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।